सहाफत के 200 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे मौके पर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ने जो ये पहल की है कि तमाम प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ कदम है और मैं आपको इस मौके पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। उर्दू की सहाफत का देश की जंग आज़ादी हो या अदब हो या तमाम ऐसे शोबे जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उर्दू की सहाफत ने उसमें खिदमात को अंजाम दिया है। और उर्दू से मुझे बचपन से ही दिलचस्पी है, लगाव है, इसलिए कि मेरे बुजुर्ग अच्छी उर्दू जानते थे। लखनऊ का बाशिंदा हूँ, लखनऊ एक उर्दू का गहवारा है और भले इसको आशिकों की जबान कही जाती है या अदालती जबान कही जाती है, इजलास की जबान कही जाती है या लश्करी जबान कहा जाता है, वो कुछ भी हो, लेकिन मैं एक बात ये मानता हूँ कि ये उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंदुस्तान में पली बढ़ी और हिंदुस्तान में इसको फरोग मिलना चाहिए और हिंदुस्तान के लोगों को इसको खूब समझ में आना भी चाहिए। इस लिहाज से उर्दू सहाफत को भी सलाम है और मैं उर्दू की तरक्की के लिए, उसके फरोग के लिए बहुत ही नेक ख्वाहिशात करता हूँ और ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म को इस बात के लिए बहुत ही बधाई देता हूँ, बहुत ही नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और आपके जो काम है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया।